हर शाम से तेरा इजहार किया करते हैं, हर शाम से तेरा इजहार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। हाँ दीवाने ही तो हैं हम तेरे, दीवाने ही तो हैं हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतजार किया करते हैं। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, वही आपकी महफिल, ये शाम मस्तानी। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की ये मस्तानी शाम बहुत ही खास है, वैसे हमेशा तो खास रहती ही है, हमेशा फिल्मी गजल आप सुनते रहते हैं, फिल्मी गाने सुनते रहते हैं, लेकिन आज की ये मस्तानी शाम खास तौर से गजलों से सजाई जाएंगी। और आज हमारे खास मेहमान हैं राहुल रनाडे और देश के महान कलाकार संगीतकार उनको अकंपेनी करेंगे। सो व्हाटएवर यू माइट बी, सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। ये शाम मस्तानी स्पेशल गजल आपके नाम। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। आज आप सोच रही होंगे कि ये गजल, ये गीत हमने क्यों गाया। That's from the movie
जहान आरा, फिर वही शाम वही गम तन्हाई, इसी फिल्म से लिया गया। तलत महमूद साहब का गाया हुआ। तलत महमूद साहब क्या आवाज है, रोमांटिक मेलांकोलिक, और उनकी आवाज में जो कहते हैं ना बैरिटोन, जो जॉ है, जो क्वालिटी है, वो सबको लुभा गए थे। द ग्रेट संगीतकार मदन मोहन के साथ गजल का शहजादा, आज गजल की शाम है, और इस शाम को और खूबसूरत यादगार मस्तानी बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी खूबसूरत कारवा को हम जारी रखते हैं। जब गजल की बात कहते हैं तो बहुत सारे गजल गायक रहे, बेगम अख्तर के साथ साथ गुलाम अली, जगजीत सिंह, हरिहरन, पंकज उधास, आप इन सब की गायकी, उन सब के गजल आज सुन पाएंगे हमारे राहुल रनाडे साहब के साथ। तो चलिए तलत महमूद के बाद अब जो गजल आप सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत है, मेहदी हसन की आवाज, उनका गाया हुआ ये प्यारी सी गजल आपके नाम। गलियां भी हंस पड़े,
खुशबू तुम्हारी जुल्फ की तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। What a beautiful ghazal Mehdi Hassan का गाया हुआ आज इस मस्तानी शाम में आप सुन रही हैं। Thank you so much हमारे हम सफर बनने के लिए on MBC TV। वैसे ग़ज़ल की बात जब होती है तो ग़ज़ल है क्या? ग़ज़ल का जो कहा जाता है कि इट्स अ वार्तालाप, जैसे कहते हैं ना बातचीत, जो महिलाएं हैं उनका साथ देने के लिए, उनके साथ गाने के लिए। और जो ग़ज़ल की बात जब होती है तो मिलन होता है उसमें, उसमें विरह भी होता है, हर तरह के इमोशंस को हम काबू करते हैं, उनको हम डिलीवर करते हैं। और गीत भी गाए जाते हैं, बॉलीवुड ग़ज़ल होते हैं, बॉलीवुड फिल्मी गीत भी होते हैं। तो आज की इस मस्तानी शाम को, इस गज़ले की महफिल में, गज़लों की महफिल को सजा रहे हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तलत महमूद के साथ वापस चलते हैं बॉलीवुड में इन द 1960s, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, जी हाँ गाइड, देवानंद और वहीदा रहमान। और इस फिल्म के कुछ पार्ट भी है कला, क्योंकि ये जो मूवी रही देवानंद की पहली कला मूवी बाय द वे रही। और इसी गीत में संगीतकार एस डी बर्मन ने क्या कंपोजिशंस बनाए, तो चलिए उनके सपने और साकार होंगे और खूबसूरत बनेंगे इस अगले गीत के साथ। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भरे जाए राहे हम संग हैं, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां मिले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी।
मना ले दुनिया, सांस नहीं छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ नहीं छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ नहीं छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ नहीं छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहां मोहब्बत, आज तो प्यार का रंग चढ़ा हुआ है, गीतों का रंग चढ़ा हुआ है, गजलों का रंग चढ़ा हुआ है इस मस्तानी शाम में। थैंक यू सो मच हमारे हमसफर बनने के लिए। और आज की इस महफिल को सजा रहे हैं देश के महान कलाकार, संगीतकार जो हैं, और राहुल रनाडे साहब। स्पेशल गजल है इस मस्तानी शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए। गाज फिल्म के बाद चले वापस गजलों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। जगजीत सिंह द माइस्ट्रो, द गजल किंग, उनकी गायकी, उन्होंने वैसे कई गजल गाए तो हैं और बॉलीवुड में भी उन्होंने कई गाने गाए, साथ साथ, प्रेम गीत, बहुत सारे ऐसे मूवीज में उन्होंने कंपोजिशंस बनाए और संगीतकार के हैसियत से भी उन्होंने काम किया। और उनके गजलों में, उनके शब्दों में, जो भी वो गाते रहते थे, उन शब्दों में उन्होंने जान फूंक दी। व्हाट अ वॉइस। तो चलिए, एक खूबसूरत गजल की अब बारी हो चुकी है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लेकिन आप वक्त जाया मत कीजिएगा। स्टे वेल ट्यून्ड टू एमबीसी टीवी। ये है ये शाम मस्तानी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर
रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। मत पूछ शीशे से उसके टूट जाने की वजह, मत पूछ शीशे से उसके टूट जाने की वजह, शायद उसने भी किसी पत्थर को अपना समझा होगा। उफ, ये मोहब्बत, मोहब्बत में क्या क्या होता है। दिल टूट जाता है, दिल सहम जाता है, दिल खुश भी हो जाता है, और खुशी का आलम आज आपके साथ हम बांट रहे हैं। गजलों की बात चल पड़ी है, गायकों की बात चल पड़ी है, तो गजल गायकी में अगर इनका नाम ना लिया जाए तो बड़ा बेमान होगा। गुलाम अली साहब पटियाला घराने के गजल गायक, महान सिंगर हैं, पाकिस्तानी सिंगर, और इन्होंने भी बॉलीवुड में अपना नाम कमाया और बहुत ही मशहूर हुए। और जब बात हो रही है गुलाम अली साहब की, तो पहली बार उन्होंने बॉलीवुड में काम किया बतौर सिंगर फिल्म निकाह, और वो गजल तो आपको याद ही है, चुपके चुपके रात दिन। आज ये गजल नहीं, लेकिन उनके दिल में जो लहर है वो उठ चली है।
लहर को अलग अलग तरीके से गाया है, मैं कोशिश कर रहा हूं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, नाजुक 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 नाजुक, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी। कहा था, हाँ जी हमने कहा था कि दिल में ऐसी लहर उठेंगे कि कभी याद ही ना आएंगे, लेकिन यादों को हम ताजा कर रहे हैं इन प्यारी प्यारी गजलों के साथ, आपके साथ इन येशा मस्तानी। वैसे मानना पड़ेगा हाँ, ये गजलें जो हैं कितने साल पहले बनाई गई थी, और इनकी जो आवाज रही, चाहे वो जगजीत सिंह साहब रहे हो, गुलाम अली और बहुत बहुत तलत महमूद साहब, जितने भी गजल आप अभी सुनते आ रहे हैं, सब एक से एक बढ़कर। अब इनका नाम भी लिया जाता है, बड़े अदब से लिया जाता है,
पंकज उदास, लेकिन उनकी गजलों में अगर उदासी भी है तो भी चलती है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज में जो रूहानियत है वो हमेशा सबको लुभा जाती है। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, या फिर चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, लिस्ट काफी लंबी है, हम तो कहते चले जाएंगे, रात भी बीत जाएंगी, लेकिन उसका असर जो है वो कभी कम नहीं होगा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, इधर तो हम हैं, आप उधर हैं, तो चलिए बात किसकी हो रही है, पंकज उदास की, इन द वॉइस ऑफ रनादी साहब। चलिए ये प्यारी सी गजल आप सबके नाम। तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने, के फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी में। छोड़ दूंगा तो
मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूँ, क्या करूँ ऐ खुदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कला। 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 किसी ने क्या खूब कहा है कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। नो, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, अभी पूरा वक्त है, पूरा वक्त ही वक्त है हमारे पास, आपके पास भी, क्योंकि ऐसी महफिल जो सच पड़ी है उसको छोड़ने का मन ही नहीं होता है। बैक टू द बॉलीवुड वर्ल्ड आपको ले चलते हैं वंस अगेन एसडी बर्मन के संगीत के दर्शन नीतले, और ये है मूवी शर्मीली। रिमेम्बर दिस मूवी और इस गीत, इस फिल्म के जितने भी गाने रहे हैं एक से एक खूबसूरत, चाहे वो आज मदहोश हुआ जाए रे, मदहोश तो आज हम भी हो रहे हैं, या फिर खिलते हैं गुल यहाँ, इसके दो वर्षन से बाय द वे, एक किशोरदा की आवाज में, एक लताजी की आवाज में। आज किशोरदा वाला गाना आप सुनेंगे, तो चलिए एक साथ फूल को खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसमाते हुए दिल को खुश बनाते हैं। देखने से मेरा चेहरा कुछ यूं खिल सा जाता है, तुझे देखने से मेरा चेहरा कुछ यूं सा खिल जाता है, जैसे तेरे होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
इन गीतों के साथ, इन गजलों के साथ आप मानो ना मानो 100% कुछ मिल ही जाता है, दिल में कुछ कुछ बहुत कुछ हो जाता है। ओ माय गॉड, एक बार फिर ये शाम मस्तानी में अभी भी आप अचून किए हैं। जी हाँ, आज की ये मस्तानी शाम स्पेशल गजल नाइट है राहुल रनाडे साहब के साथ। अब बात हो रही है प्यारी सी गजल हरिहरन की आवाज में, काश ऐसा कुछ होता क्या होने वाला है। आप इस गजल को सुनिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंदिर होता मेरे कंधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा
इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, हमने फिर वही शाम, फिर वही गम, फिर वही तन्हाई। धीरे धीरे दुनिया के सारे सैर कर चुके हमने, गजलों की दुनिया में आपको ले गए, फिल्मी दुनिया में आपको ले चले। अब इशारा है वक्त का, नीतू से बाय बाय। जी हाँ, जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, वापस बॉलीवुड दुनिया में ले चलते हैं विद अ ग्रेट सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में। क्या गायक है, क्या गायकी है इनकी, और उन्होंने एक फिल्म में गाया था, फिल्म एयरलिफ्ट में। सोच ना सके, हम भी नहीं सोच सकते आपके बिना, आपके बिना ये महफिल सच नहीं सकती। इसलिए तहे दिल से आपको शुक्रिया आज के हमारे हम सफर बनने के लिए, एंड अ बिग थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी कलाकार रहे, खास तौर से हमारे मेन सिंगर, लीड सिंगर जो रहे राहुल रनाडे एंड आवर म्यूजिशियंस, थैंक यू सो मच आपको। अब मुलाकात बहुत जल्द होगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और एंजॉय करते रहे। प्यार करा एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कहाँ के तू ही सब
सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।